गोरखपुर के पैनेशिया लाइफ केयर हॉस्पिटल में हिस्सेदारी और कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के दो पक्ष पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए। एक पक्ष बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान और डॉक्टर प्रमोद सिंह का, वहीं दूसरा पक्ष विजय कुमार पांडे और रवि श्रीवास्तव के बीच जमकर नोकझोंक। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं मामले को बढ़ता देख पुलिस ने अस्पताल की ओपीडी को सील कर दिया। डायरेक्टर विजय पांडे का आरोप है कि सांसद डॉक्टर प्रमोद सिंह, डॉक्टर ए के मल ने फर्जीवाड़ा कर हॉस्पिटल पर अपना अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं डॉक्टर प्रमोद सिंह खुद को इस मामले में सही और दूसरे पक्ष को गलत ठहरा रहे हैं। ये विवाद पहले से कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन पिछले कुछ समय से बार बार दोनों पक्ष आमने सामने आ रहे हैं। वहीं मामले में सांसद कमलेश पासवान की एंट्री को लेकर कई डायरेक्टर सवाल उठा रहे हैं कि वो किस हैसियत से इस मामले में दखल दे रहे हैं। पैनेशिया हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। कोर्ट से पोजीशन लेंगे, यही लेंगे, अभी यही लेंगे, अभी अभी का अभी पोजीशन लेंगे, आप नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो। डॉक्टर प्रमोद सिंह ने कमलेश पासवान, जो बांसगांव के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाई बिमलेश पासवान, इनके साथ मिलके और हॉस्पिटल को कमलेश पासवान को हड़पवाने का कोशिश किया। फर्जी तरीके से उनको डायरेक्टर बनाया। हम लोग कंपनी का हिसाब किताब लेने गए तो वहाँ सांसद कमलेश पासवान और डॉक्टर प्रमोद सिंह भारी मात्रा में गुंडों को, बदमाशों को लेकर और पुलिस प्रशासन को लेकर आए और हमारे साथ मारपीट किया, धक्का मुक्की की और उसके बाद से पुलिस उठा के हम लोगों को थाने में ले गई। अपने शासन सत्ता और अपने धन बल के नाते हॉस्पिटल पे काबिज हैं और हॉस्पिटल में मनमाना काम कर रहे हैं। हम लोगों को अपने हॉस्पिटल को चलाने नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरह से हमारे हॉस्पिटल को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर जिले के कंड थाना क्षेत्र स्थित छात्र संघ चौराहे पर पैनेशिया हॉस्पिटल में कब्जे को लेकर के दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। जमकर मारपीट हुई, मारपीट के बाद पुलिस पहुंची और सात लोगों को थाने लाई। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि इस मामले में पीड़ित विजय पांडे ने आरोप लगाया है कि बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान द्वारा हमारे हॉस्पिटल पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि कमलेश पासवान के ऊपर गोरखपुर जिले के अन्य थानों में आपराधिक कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन कमलेश पासवान जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में खड़ा है, जबरियन हमारे हॉस्पिटल पर कमलेश पासवान कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में जब जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का कहना है कि इस मामले पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसे में भूमाफिया, अन्य तरह के आपराधिक मामले वाले सांसद पर कार्रवाई कौन करेगा, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।